नीमच राज गुर्जर समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर झूठा मुकदमा दर्ज करने को लेकर ज्ञापन दिया। समाज के लोगों ने बताया कि यह हिमी प्रार्थी अपने पति व बच्चों सहित ग्राम रातड़िया में निवास करते हैं तथा उस प्रार्थी के पति ललित उप मदनलाल गुर्जर का गोपाल पिता कनी राम नायक निवासी ग्राम रातड़िया के साथ आज से लगभग 15-20 दिन पूर्व विवाद हो गया था। तथा गोपाल पिता कनी राम नायक ने मेरे पति के साथ लात घूसों में लट से मारपीट कर लड़ाई झगड़ा किया था। उक्त लड़ाई झगड़े के बाद गांव के वरिष्ठ लोगों ने बिठाकर दोनों के मध्य राजीनामा करवा कर विवाद समाप्त करा दिया था। उसके पश्चात दिनांक 31/7/2021 को दिन में 2 से 3 बजे के मध्य गोपाल पिता कनी राम नायक नशे में आया और मेरे पति ललित उर्फ मदनलाल को पीछे से लकड़ी की पीठ पर मारकर लड़ाई झगड़ा कर अश्लील गाली गलौज करने लगा। उक्त लड़ाई झगड़े को देख गांव के वरिष्ठ लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया। उसके पश्चात गोपाल पिता कनी राम नायक ने मेरे पति को गांव वालों के सामने यह धमकी दी कि मैं अपने नाबालिग लड़की से तेरे खिलाफ झूठी छेड़छाड़ कर रिपोर्ट करवा कर तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। वह गोपाल नायक अपनी नाबालिग पुत्री को साथ थाने ले जाकर मेरे पति ललित मदनलाल गुर्जर के विरुद्ध छेड़छाड़ करने की झूठी रिपोर्ट पुलिस थाने में करवा दी। गोपाल नायक मेरे पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसको लेकर आज समाज जन SP कार्यालय में झूठी रिपोर्ट दिखाने को लेकर न्याय की उम्मीद को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। हमारा पति का झूठा इल्जाम लगाया उसने छोटी बच्ची के लिए कि साथ में थे, उसने शराब पिए। वो कह रहा है कि हम 2 बजे तक थे, उसने 5 बजे तक उसने दुई ने साथ में दौड़ी दो उन्होंने दुई ने और उस पर उसके साथ में कुछ पहले की लड़ाई झगड़ा हो रहा था मुझको मामूली, उसने उसके साथ छोटी बच्ची का इल्जाम झूठा लगाया, उसने झूठा बदनाम किया है हमारा पति का। विगत 31 जुलाई को नीमच सिटी में एक हमारे सामाजिक बंधु के खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि उक्त व्यक्ति ने 8 साल की बालिका के साथ छेड़खानी करी, जबकि ये पूरी तरह से निराधार है। किसी भी प्रकार से ऐसा कोई वाकया वहाँ ऐसी कोई घटना वहाँ घटी नहीं है। जो जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाए गए, उक्त व्यक्ति दिन भर वहीं गाँव में ही था और आसपास के लोगों के साथ था, गाँव के लोग उसके साथ थे, वहीं गाँव में ही था। तो इस तरह से ये इनकी पुरानी रंजिश की वजह से इनके 15-20 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था आपस में, तो एक दो सामाजिक अलग अलग समाज के लोगों के विषय को लेकर इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाने के चक्कर में ऐसा किया गया है, जबकि ये पूरी तरह से अपराध निराधार है। ये एक 8 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किया है। आज हम यहाँ पर SP साहब से मिलने आए हैं और उनसे यही गुहार लगाने आए हैं कि हमारे साथ न्याय हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।